जब चेंज करेंगे तो वो होगा मोस्ट ब्यूटीफुल। उस तरह से ब्यूटीफुल्ली एक एडवर्ब हो गया, इसको जब हम चेंज करेंगे कॉम्परेटिव में तो मोर ब्यूटीफुल्ली, और जब सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल्ली चेंज होगा। आइए अब जो अगला है वो हम आपको बताएं, वो है अगर पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एक सिलेबल का है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है वो एक सिलेबल का है और उसके अंत में एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन उस कॉन्सोनेंट से पहले एक वोवेल आया हुआ है, तो वहाँ पर हम ई आर या ई एस टी यानी कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में जो ई आर लगाते थे वन सिलेबल वाले में, जो रूल फर्स्ट में मैंने बताया, या सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में ई एस टी लगाते थे, उसकी जगह में हम जो उसका जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देते हैं। जैसे एक वर्ड है बिग, तो बी आई जी लास्ट जो कैरेक्टर है वो कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले आई आया हुआ है, यानी वो वोवेल है। तो मैंने जो बताया कि लास्ट वर्ड कैरेक्टर जो होता है यानी वर्ड का जो लास्ट अल्फाबेट होगा वह कॉन्सोनेंट हो, लेकिन उससे पहले अगर एक वोवेल है तो वहाँ पे हम जो चेंज करेंगे कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में, तो वहाँ पे ई आर ई एस टी तो लगेगा लेकिन जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देते हैं। जैसे बिग में बी आई जी, जब उसको हम कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे तो बी आई डबल जी ई आर, और जब उसको सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो बी आई डबल जी ई एस टी होगा। उसी तरीके से एक वर्ड है रेड, यहाँ पर भी डी कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले ई आया है जो वोवेल है, अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो आर ई डबल डी ई आर रेड, और आर ई डबल डी ई एस टी रेडेस्ट होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जब अगर कोई वर्ड ऐसा है जिसका दो सिलेबल है, तीन सिलेबल है या चार सिलेबल का वर्ड है, तो वहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के लिए हम लोग मोर का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जो अल्फा एडजेक्टिव है या एडवर्ब है उसको यूज़ करते हैं, और जो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव अगर हमें बनाना हो तो वहाँ पे हम उसको मोस्ट यूज़ करते हैं। जैसा मैंने पहले इससे पहले बताया आपको, ब्यूटीफुल दो सिलेबल का एक वर्ड है, हम उसके साथ जब कॉम्परेटिव करते हैं तो मोर ब्यूटीफुल, और जब सुपरलेटिव करते हैं तो मोस्ट ब्यूटीफुल करते हैं। उस तरह से डेंजरस दो सिलेबल का वर्ड है, डेंजरस, वहाँ पे आप जब कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव करेंगे तो वहाँ पे होगा मोर डेंजरस, और जब सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव करेंगे तो वहाँ पे होगा मोस्ट डेंजरस। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आपको बहुत सारे ऐसे एडवर्ब हैं जो ना तो कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में यूज़ किए जाते हैं ना सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन वो एडवर्ब हैं, जैसे नाउ, देन, वेयर, वंस, देयर, सर्कुलर, राउंड, राइट, एक्सेट्रास। अब आइए आपको लैटिन भाषा से लिए गए 12 वर्ड्स के बारे में बताते हैं, जिनको ना तो हम पॉजिटिव डिग्री ना सुपरलेटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं। ये ना तो पॉजिटिव होंगे और ना ही ये सुपरलेटिव होंगे, इनको याद कर लेने की ज़रूरत है। ये जो 12 वर्ड्स हैं जो ना तो पॉजिटिव में यूज़ होते हैं ना सुपरलेटिव में यूज़ होते हैं, वो हैं मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। फिर से याद रखिएगा, मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। लेकिन इनमें से जो फर्स्ट 5 है, जैसे मेजर, माइनर, इंटीरियर, एक्सटीरियर और अल्टीरियर, ये जो 5 शुरू में है, ये इनका जो प्रयोग है वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की तरह होता है। जैसे हम बोलते हैं एग्जांपल में, इट इज़ अ मेजर ऑपरेशन, मेजर वर्ड तो यूज़ हुआ लेकिन वह
पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है। ही हैड अल्टीरियर मोटिव्स इन हेल्पिंग, यहाँ पर भी जो अल्टीरियर है वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के सेंस में इस्तेमाल किया गया है। उसी तरीके से उन 12 में जो मैंने पहले बताया, उनमें से जो बाद के साथ हैं, जैसे इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं वह कंपैरिजन के लिए होता है। लेकिन डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ, तो वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं देन, लेकिन यहाँ पे देन इस्तेमाल नहीं होगा। इन सारे वर्ड्स के साथ वर्ड टू इस्तेमाल होगा, टू ना कि देन। जैसे ही इज सुपीरियर टू मी, हम वहाँ पे नहीं बोल सकते ही इज सुपीरियर देन मी, ठीक है। ही इज फैटर देन मी, ये होगा, बट हम यहाँ पे ही इज सुपीरियर देन मी नहीं यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ही इज सुपीरियर टू मी, सी इज सीनियर टू मी, सी इज सीनियर टू मी। तो हमने बताया आपको इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये 7 वर्ड्स ऐसे हैं जो कंपेयर तो किए जाते हैं, कंपैरिजन में इसका इस्तेमाल होता है कंपैरिजन में, लेकिन उसके लिए कंपैरिजन के लिए जो वर्ड है देन मस्ट होता है यूज़ करना, यहाँ पे वो देन यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग उसको टू लगाते हैं। अब आते हैं लास्ट जो रूल है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, वो ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं और जनरली ऐसे वर्ड्स को याद कर लेना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मतलब बहुत कम ही होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब्स को आप याद कर लीजिए, क्योंकि इनका जो पॉजिटिव होता है